गुरुग्राम के सेक्टर 53 में एक मामला सामने आया है जिसमें बंटी बबली बनकर पति पत्नी लोगों को चूना लगा रहे थे और यही नहीं HDFC बैंक का अनुभव पत्र और ज्वाइनिंग लेटर बनाकर लोगों को दूसरे बैंक में नौकरी के लिए भेजता था। गुरुग्राम पुलिस से बंटी और बबली बनकर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी रोहित उर्फ अमित और उसकी पत्नी कोमल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल रोहित अपनी पत्नी के साथ मिलकर लोगों के बैंक अनुभव पत्र बनाता था। इसके अलावा कुछ लोगों को नौकरी दिलवाने और अपॉइंटमेंट लेटर देने के नाम पर भी ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों पति पत्नी एक एक्सपीरियंस लेटर बनाने के करीब 1 से 3 लाख रुपए लोगों से ऐंठते थे। गुरुग्राम में करीब 65 ऐसे लोगों के नकली एक्सपीरियंस लेटर बनाकर उन्हें नौकरी दिलाने के मामले सामने आए हैं। सर, एक HDFC बैंक के बड़े अधिकारी ने कुछ शिकायत दिया, सर क्या है पूरा मामला? ये सेक्टर 53 में बैंक है, उसकी HR हेड वाइस प्रेसिडेंट, उसने कंप्लेंट दी है कि उनके बैंक में फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोग लेके आते हैं और जिनके आधार पे उनको नौकरियां मिल गई। ऐसे करीब इन्होंने 65-66 मामले जो हैं वेरीफाई किए हैं और इसमें रोहित नाम का व्यक्ति है जो सिकंदरपुर शकुरपुर दिल्ली का रहने वाला है। वो एक प्राइवेट कंसल्टेंसी का ऑफिस चलाता दिल्ली में और इसकी घरवाली है वो HDFC बैंक में ही जो है कर्मचारी है। तो वो लेडी जो है इनको बताती थी कि भाई अब वैकेंसी आ गई, तो ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के इनको देते थे, दूसरे बैंकों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के। सर कहाँ कहाँ इस तरह के लोगों ने नौकरी ली है, क्या गुड़गांव में कि कहीं अलग जिले में? ये अलग अलग HDFC बैंक में ही है मोस्टली जो है। पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस अभी केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें जो सही फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई हो जाएगी।